और इसी जगह पे भोले शंकर माता पार्वती की शादी हुई है। मुझे लगता है आपदा वाली गाड़ियां है भाई। मतलब गुप्तकाशी आ गए थे हम लोग, 35 किलोमीटर है केदारनाथ से। गुप्तकाशी में स्टे कर रहे थे तो रात में यहाँ से आके जा रहे हैं और बाबा के दर्शन। हम लोग जाने वाले हैं त्रियोगी नारायण, जहाँ पे माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। अंबानी के लड़के की भी शादी वहीं पे हुई थी, की साथ में बाबा के दर्शन भी हैं। ये बैंड बजा दे भाई पूरी। तो भाई सोनप्रयाग से एक कट चला गया सीधा केदारनाथ के लिए और दूसरा ये है त्रियोगी नारायण के लिए। ये गेट है भोले शंकर की। पहली शादी सती के रूप में थी जो हरिद्वार कंकल में दक्ष के यज्ञ में भस्म हो जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज की शुरुआत करते हैं, आप प्यारा सा व्यू देख सकते हैं बैकग्राउंड का। मतलब ये हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था जब कल हम लोग आए थे शाम को, तो यहाँ पे रात में कुछ भी नहीं दिख रहा था, नॉर्मल सा था। और रात में हम लोग, जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे स्टे थे, मतलब गुप्तकाशी आ गए थे हम लोग, गुप्तकाशी में स्टे कर रहे थे रात में। भाई की मैरिज एनिवर्सरी थी तो उसके लिए रात में सेलिब्रेट किया। हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होने वाला सुबह। मतलब जब सुबह उठे हैं ना हम लोग भाई, अल्टीमेट था यार, पता नहीं चल रहा था कि अनएक्सेप्टेबल था भाई। बाकी आप लोगों को पता ही है, जैसा कि पहले मैंने ट्रैकिंग दिखाई थी, कल इतनी थकान हो चुकी थी। अभी हम लोग जाने वाले हैं त्रियोगी नारायण, जहाँ पे माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। मतलब वहाँ पे मैंने सुना है कि अंबानी के लड़के की भी शादी वहीं पे हुई थी, क्योंकि सिंपल सी बात आप लोगों को पता है, माँ पार्वती और भगवान शिव की वहाँ पे शादी हुई थी। तो बाकी वहीं हम लोग चलने वाले हैं और यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ सिंगल रोड है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा रोड नहीं बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टफ भी है और रोड भी बहुत खतरनाक डेंजरस होने वाले हैं। बाकी बने रहिए इसी ब्लॉग के साथ, चलते हैं दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। देखो रिसोर्ट बड़ा प्यारे से विला टाइप के बना रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये अभी मैं कैलाश रिसोर्ट, आप लोग आज भी गुप्तकाशी मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे बेस्ट है। रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये पर डे का है और सारी व्यवस्था है। इसी के साथ बने रहिए, हर हर महादेव। तो ये देखिए आप, रूम बहुत ही प्यारा है, मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी साथ में बाबा के दर्शन भी हैं, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 35 बचा हुआ आई थिंक। बहुत ही प्यारा रूम था, मतलब सच में बजट के हिसाब से। तो ये है भाई रिजॉर्ट, देख लो आप, कैलाश नाम से है, प्यारा है बड़ा। बाकी चलते हैं अब। रास्ते देखो भाई कितने खतरनाक है। व्यू, अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, सोनप्रयाग बता। 35 किलोमीटर है केदारनाथ से, मतलब यहाँ से आके जा रहे हैं और बाबा के दर्शन, तुंगनाथ बाबा के दर्शन बने हुए थे। ये देखो भाई कितनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये मुझे लगता है आपदा वाली गाड़ियाँ हैं भाई। हाँ वो गाड़ी रोक रखी है, ये देखो कितनी देर बंद रखते हैं। तो हमारे भाई साहब पहुंच गए वहाँ पे, पत्थर ले लेगा। यार ये बैंड बजा दे भाई पूरी, खत्म कर दे। तो कितने बड़े बड़े गिरे हैं भाई, ओ कितनी। भाई अभी हम लोग पहुंच गए सोनप्रयाग, यहाँ से है केदारनाथ 15-23 किलोमीटर भाई, ऐसे यहाँ से हमें रुद्रप्रयाग जाना होगा, तो यही रूट है, इधर से भी रूट है। नहीं चलो, वो तो वहाँ से आए हैं, और रूट नहीं है यहाँ से 9 किलोमीटर दिख रहा है, 9-10 किलोमीटर। तो भाई सोनप्रयाग से एक कट चला गया सीधा केदारनाथ के लिए और दूसरा ये है त्रियोगी नारायण के लिए। बाकी चलते हैं आगे दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोड टफ है क्योंकि सिंगल रोड है और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं त्रियोगी नारायण, बाकी सब दिखाते हैं आपको। बाकी व्यू आप देख सकते हो भाई, पूरे बर्फ के पहाड़ हो रखे हैं। 50 मीटर ओनली भाई, और ये क्या गौरी गुफा, व्यू पॉइंट 100 मीटर, मंदिर है ओनली 50 मीटर। किस साइड चलना है पता नहीं, कौन में आ रहा है कुछ इसमें गंगोत्री 10 किलोमीटर
गंगोत्री सोनप्रयाग से। तो भाई अभी अपन पहुंच चुके हैं यहाँ से 50 मीटर, अच्छा सामने वो है, तो पहुंच चुके हैं भाई मंदिर, देख सकते हैं आप लोग, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे सारे घर ही ऐसे बने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे यही मंदिर है, एक नंबर का भी वो आ रहा है सामने, ये गेट है। आज तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ से, ले लो प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। पहुंच चुके हैं भाई, ये है ब्रह्मकुंड, नारायण का अर्थ है तीन गो के नारायण, त्रेता युग में भगवान नारायण ने यहाँ पे माता अर्थ के गर्भ में वामन अवतार लिया है, आपने सुना होगा, आपको ज्ञात होगा, राजा बलि थे ना ये प्रहलाद के पास, पकड़ लो इंद्रासन को जितने के पकड़ लो, ये पकड़ लो सही से पूरा है, सौ एक पीछे भगवान समुद्र खड़े होंगे गर्भ से वामन अवतार लेते हैं, सही से पकड़ो जो पूरी है, तीन भगवान उनके सर पे पांव रख के उनको पाताल का राजा बनाते हैं, और इसी जगह पे भोले शंकर माता पार्वती की शादी हुई है, भोले शंकर की पहली शादी सती के रूप में थी, जो हरिद्वार कंकल में दक्ष के यज्ञ में भस्म हो जाती है, जो दक्ष पुत्री थी, दूसरा जन्म राजा हिमावंत के घर में माता मैनावती की कूप से जन्म लेते हैं, पर्वतों की राजा की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा, इसी जगह पे भगवान वामन को साक्षी करके उनकी शादी हुई है, जहाँ पे ये मंडप लगा हुआ है सामने, यहाँ पे माता पार्वती का कन्यादान हुआ है, ये प्रसाद की थाली आप लोग इसलिए लाते हैं, राजा हिमावंत ने अपनी पुत्री पार्वती को मोर मोती हीरा पन्ने अनेक रत्नों का दान किया था, और कलयुग का प्राणी वो चीज जुटा नहीं पाएगा, इसलिए मोर मोतियों की जगह ये अन्न दान होता है, ये चावल मोर मोती माना गया है, इसलिए इसका दान होता है यहाँ पे, ये चुनरी श्रृंगार माता के सुहाग के वास्ते आते हैं, और आपने देखा होगा प्रांगण में चार कुंड है, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान होता है, और विष्णु कुंड में आत्मन किया जाता है, ओम नमो नारायण करके आत्मन होता है वहाँ पे, और चौथा है सरस्वती कुंड, जिनके माता पिता गुजरे रहते हैं वहाँ पे पितृ तर्पण होते हैं, फिर आगे प्रांगण में पंचनाम देवता हैं, गणपति जी हैं, मच्छिंद्रनाथ जी हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, ईशानेश्वर महादेव जी, बजरंगबली और महादेव जी हैं, फिर अंदर भगवान नारायण के दर्शन हैं, बीच में भगवान नारायण जी हैं, दाएं साइड में डोले में लक्ष्मी माता हैं, बाम भाग में सरस्वती जी हैं, और भगवान के चरणों में ताम्रपात लगा हुआ है जिसमें 108 शालिग्राम है, फिर भगवान के पृष्ठ भाग में भगवान की पंचायत है, ताम्रों में दो मूर्तियां हैं, कुबेर जी हैं, क्षेत्रपाल महाराज जी, फिर चतुर्भुज मूर्ति बद्री नारायण है, नर और नारायण आदि गुरु शंकराचार्य जी, बड़ी अष्टधातु की मूर्ति है जो श्री सत्यनारायण जी की है, उनके आगे से अखंड दीपक है, दीपक के नीचे से सिपार्वती का शोभा के रूप में जोड़ा रूप में मूर्ति है, और उनके आगे से पंच पांडव है, जहाँ से आप लोग दर्शन करोगे वहाँ पे धनंजय नाम की अग्नि है, जिस अग्नि के फेरे लेके सिपार्वती की शादी यहाँ पे संपन्न हुई है, बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोलो उमा महेश्वर। ये ब्रह्मकुंड है, अच्छा ये यहाँ पे ब्रह्मकुंड है, यहाँ पे ये स्नान का कुंड है, फिर इसमें स्नान होता है, यात्री लोग भक्तगण यहाँ पे स्नान करते हैं, दूसरा भी ये रुद्र कुंड है, इसमें भी स्नान होता है, यहाँ पे भी भक्त लोग स्नान करते हैं, और तीसरा वहाँ पे विष्णु कुंड है, वहाँ पे विष्णु कुंड आगे यहाँ पे वो विष्णु भगवान की प्रतिमा रखी है, वहाँ पे आसमान होता है, चौथा है वहाँ पे सरस्वती कुंड है, यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं उनके आगे वहाँ पे सबसे लास्ट में वहाँ पे पितृ तर्पण होते हैं, फिर यहाँ आगे प्रांगण में पंचनाम देवता है, यहाँ पे ये पंचनाम देवता है, यहाँ पे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं जी, हाँ यहाँ पे गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी, और उनके बगल में मच्छिंद्रनाथ जी हैं, ये अन्नपूर्णा माता जी हैं, अन्न धन देने वाली अन्नपूर्णा माता जी हैं, अन्नपूर्णा मातेश्वरी जी हैं, यहाँ पे ईशानेश्वर महादेव जी हैं, और यहाँ पे बजरंगबली जी हैं, यहाँ पे ये बजरंगबली जी हैं, यहाँ पे यहाँ पे भोले शंकर जी हैं, यहाँ पे ये कौन सी है, वो तो ध्वनि सागर है, उसमें भस्मी रखी जाती है जी, कुंड है जी, तो जो गौरी कुंड है वहाँ पे माँ पार्वती नहाने स्नान करने जाती है, गौरी माता का जी मन कट्या गणेश हैं वहाँ पे, जब आपने सुना होगा जब माता पार्वती स्नान करती हैं गुफा के अंदर, तो ये गणेश जी वहाँ पे द्वार पे रक्षक रहते हैं, किसी को घुसने नहीं देते अंदर, जी मना करते हैं कि अंदर जाना वर्जित है, गौरीकुंड से दो तीन किलोमीटर आगे वो सोनप्रयाग के और गौरीकुंड के बीच में वो जी मनकट्या गणेश है वहाँ का नाम, यहाँ भगवान वामन भगवान नारायण जी साक्षी मान के जी हाँ माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी जी हाँ नारायण भगवान को साक्षी जी हाँ
यहाँ पे अंदर दर्शन करने नहीं जाने देते? जाने क्यों नहीं देंगे, इस समय भगवान का भोग चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, उसके जब भोग लगेगा उसके बाद आरती होगी, सब लोग जा सकते हैं, भक्तगण वहाँ अंदर जा सकते हैं, भगवान के भगवान नारायण के दूर से दर्शन होते हैं, वहाँ पे स्पर्श नहीं किया जाता है जैसे और मंदिरों में स्पर्श किया जाता है, वहाँ भी यहाँ पे दूर से दर्शन होते हैं, जैसे केदारनाथ में लिंग स्पर्श होता है, यहाँ पे भगवान के दर्शन दूर से होते हैं, और जैसे जो हवन कुंड है वहाँ पे समिधा जड़ाई जाती है। जी एक चीज है जी, कि जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जी जी जी, यहाँ पे मैं अभी तुंगनाथ होके आया हूँ, जी जी, वहाँ पे भी देखा है लगभग सेम केदारनाथ जी, एक ही शैली के मंदिर है, सारे एक ही शैली के मंदिर। जी जी, ये है वो, कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था तब से ये अग्नि कंटिन्यू प्रज्वलित है, मतलब इतने सालों से, इतने वर्षों से, बहुत ही बड़ा चमत्कार है भाई ये तो, सच में मतलब देखने लायक है भाई, ये कंटिन्यू तब से जल रही है। और यहाँ से ना सभी लोग भभूति लेके जाते हैं, कहते हैं कि अपने घर में यूज़ करने से, और सबसे मेन पार्ट है कि यहाँ पर ना बहुत लोग शादी करते हैं, मतलब एक ड्रीम होता है लोगों का, बेस्ट है, मतलब सिंपल सी बात है यार, भगवान शिव की जहाँ शादी हुई वहाँ कौन शादी करना नहीं पसंद करेगा, सबका ही ड्रीम होगा भाई, जिनको पता है, क्योंकि बहुत सी लोगों को अभी तक पता नहीं है ये चीज। और सामने ये विष्णु भगवान की मूर्ति है जिनको साक्षी मान के विवाह हुआ था। तो भाई जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो भी केदारनाथ आते हैं तुंगनाथ आते हैं यहाँ पे आना मत भूलना, मतलब मेरे को खुद नहीं पता था, जब मैं केदारनाथ आया यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती की हुई थी शादी, भगवान विष्णु के अंदर मूर्ति वहाँ पे फोटो खींचना मना है, तो भगवान विष्णु को साक्षी मान के यहाँ पे उन लोगों की शादी हुई थी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, बस आप लोग ऐसे बना रहे, कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, कंटेंट नहीं दे पाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बाकी आगे कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। हर हर महादेव, जय महादेव।